आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमले की साजिश रच रही है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, इस पूरी साजिश को लेकर चुनाव आयोग को सूचित कर दिया गया है। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली के सीएम को खुलेआम धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने ये धमकियां राजीव चौक और पटेल नगर मेट्रो स्टेशन समेत मेट्रो कोच के अंदर लिखी है और सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी तस्वीरें साझा की हैं। दिल्ली के सीएम को खुलेआम ऐसी धमकी मिलने के बावजूद दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली के सीएम पर पहले भी हमले हो चुके हैं, लेकिन उन मामलों में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है वो कभी पता नहीं लगा। सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार के अंदर आती है, लेकिन ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आम आदमी पार्टी की तरफ से, हमारे सभी विधायक साथियों की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन हम जो है ईमेल द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज चुके हैं। ये इसकी फिजिकल कॉपी है, इसको भी हम इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं और इसके अंदर एक बहुत ही सीरियस और अर्जेंट सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए हमने चुनाव आयोग से समय मांगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, एक नेशनल पार्टी के कन्वीनर हैं, उनको पब्लिकली थ्रेट दिए गए हैं। मेट्रो के अंदर आप सब लोग जानते हैं, हर कोच के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, स्टेशन पे सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं। ज्यादा चिंता इस बात की है, पब्लिकली ओपन थ्रेट उसी राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया। मेट्रो ने अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, दिल्ली पुलिस ने अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट भी आ जाए तो क्या दिल्ली पुलिस का एडिशनल सीपी, क्या डीसीपी, क्या एसएचओ किस तरीके से दुष्प्रचार के अंदर पुलिस जुटती है वो हम सब ने देखा। और ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इस तरीके के हमले हुए हैं।